अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूबी किचन गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो आज हम आए हैं किचन में। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, मतलब सिंपल रेसिपी, बिल्कुल सिंपल वाले चिकन वेजिटेबल राइस, और साथ में हम बनाएंगे चिकन मंचूरियन। ये सारे इसके अज़ार हैं पड़े हुए। ये चिकन मंचूरियन के लिए चिकन, इसको मैंने हल्का सा नमक लगाया और कॉर्नफ्लोर लगा के ना 10 मिनट के लिए रखा था, फिर इसको मैंने हाफ फ्राई कर लिया। को वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैंने ना ये चीज़ें पहले से रेडी करके रखी हैं। ये हरी प्याज और ये चॉप किया हुआ गार्लिक, ये मैंने कलर के लिए डाली है। ये रेड मिर्च है और ये सब्ज़ मिर्चें हैं और ये शिमला मिर्च है और ये है वो गाजर। ये चिकन मंचूरियन में डालेंगे और ये वेजिटेबल राइस में डालेंगे। साथ ही एक अंडा और ये 1 कप है वो चिली सॉस और ये कॉर्नफ्लोर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें डाला है मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और इसमें जाएगा ये लहसुन, हल्का सा फ्राई हो गया। अब इसमें जाएगा चिकन। आप ना सिंपल राइस भी, वो वेजिटेबल भी इसमें डाल सकती हैं। चिकन को थोड़ा सा पका लेते हैं। चिकन फ्राई हो गई, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक थोड़ा सा ही डालना है क्योंकि चावलों में भी नमक डाला हुआ है, इसलिए हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। ये जो वेजिटेबल राइस है या चिकन वेजिटेबल राइस है ना, इनकी कुकिंग जो है ना वो बस जल्दी जल्दी स्टार्ट करनी होती है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने बिल्कुल नहीं करनी, हाई फ्लेम पे करनी है। अब इसमें जाएगा अंडा, अब इसमें जाएगा 1 अदद अंडा। और अंडा डालते ही आपने ना इसको जल्दी जल्दी तेल से हिला लेना ताकि वो अंडे के जो पीस ना बने, मिक्स हो जाए। साथ ही हम डाल देंगे इसमें ये शिमला मिर्च, सॉरी शिमला मिर्च नहीं पहले डालेंगे, पहले हम ये डालेंगे गाजर। ये मैंने मीडियम साइज की 1 गाजर ली थी और इसको ऐसे ना कट कर लिया था लंबे साइज में। आप वैसे वो दूसरी ऑमलेट वाली साइज में भी काट सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसमें हम और कुछ भी नहीं डालेंगे क्योंकि अगर काली मिर्च या सोया सॉस वगैरह डालेंगे तो उससे उससे ना चावलों का कलर ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैं वो नहीं डालूंगी। फ्लेम आपने हाई रखना है। साथ ही हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। जल्दी जल्दी, ये कुकिंग जल्दी जल्दी करने वाली है, आपने बस जल्दी जल्दी सारी चीज़ें रेडी करके रख लेनी है और जल्दी जल्दी आपने उनको फ्राई कर लेना। अब इसमें जाएगा राइस, ये मैंने बॉयल करके रख लिए थे पहले। ये मेरे 1 गिलास हैं राइस, अपनी मर्जी से आपने जितने भी पकाने हैं, मैं बस 1 गिलास बना रही हूँ। अब इसको हिला लेंगे। देखे ना, देखें इनको मैंने मिक्स कर लिया। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे मिक्स हो गए हैं। कोई चीज़ नहीं इसमें मैंने, कोई काली मिर्च, कोई सोया सॉस, कोई चीज़ नहीं ऐड की, बस वो मतलब लहसुन उसका तड़का लगा के उसमें मैंने वो चिकन डाला था। चिकन को थोड़ा सा फ्राई किया, फिर उसमें मैंने अंडा डाल दिया। अंडा डालने के बाद फिर मैंने ये वेजेस डाली हैं और ये मैंने आलू भी इसमें ना थोड़े से फ्राई कर लिए हुए थे। मेरे बच्चों को पसंद है फ्राई वाले आलू, आप वो दूसरे बॉयल करके भी डाल सकते हैं, तो मैंने ये डाली। अब हम बस इसको दम पे रख देंगे 5 मिनट के दम के बाद ये देखेंगे बिल्कुल रेडी। आपने ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना सब्जियों को, जल्दी जल्दी से बस चूल्हा तेज़ रखना है और सब्जियां डाल के साथ ही ये सारा प्रोसेस कर लेना। तो ठीक है, मैं इनको दम पे रखती हूँ। डाल लेंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें, ये मैंने रेड मिर्च 1 काटी थी, और थोड़ी सी हरी प्याज, और इसको दम पे रख देते हैं। चावल हमारे रेडी हो गए, चिकन फ्राइड राइस जो है ना ये रेडी हो गए हैं। ये देखें उनके कलर देखें सब्जियों के, बहुत ही इसमें हम इनको हम डिश में निकाल लेते हैं। ये हम चिकन मंचूरियन बना रहे हैं, इसमें मैंने वही लहसुन डाला था उसको हल्का सा ब्राउन करके उसमें गाजर डाल दी थी और गाजर को थोड़ा सा बस हल्का सा फ्राई किया था और साथ ही ये शिमला मिर्च डाल दी है। अब इसमें जाएगा चिली सॉस, टमाटो केचप है जो चिली गार्लिक टमाटो केचप 1 कप ये जाएगा। अब
अब इसमें जाएगा 1 कप पानी, पानी 1 कप इसलिए डाला है ताकि उसकी जरा ग्रेवी बन जाए इसमें। अब हम इसमें डालेंगे चिकन, ये चिकन को हाफ मैंने कुक कर लिया था, बाकी इसमें हो जाएगा। चिकन मंचूरियन में उबाल आ गया, अब हम इसमें डालेंगे ये कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर मैंने थोड़े से पानी में डाल के घोल के रख लिया था, ये देखें। अब आपने इसको ना लगातार हिलाते रहना, थोड़ा सा और डालेंगे, तेज़ रखना है, ये तेज़ चूल्हे वाली कुकिंग है, क्योंकि ये चिकन मंचूरियन भी इसमें भी सारी जो है ना चीज़ें पहले से रेडी होती हैं। चिकन भी हाफ हमने कुक कर लिया होता है, इसलिए बस जल्दी जल्दी इसको ओवर कुक नहीं करना। अब हम इसमें डालेंगे ये हरी मिर्चें और हरी प्याज, तो बस हमारी डिश रेडी है। इसको हम डिश आउट करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मंचूरियन भी रेडी हो गया, ये देखें इसकी कितनी अच्छी, इतनी थिक इसकी ग्रेवी आपने रखनी है। इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। जी हमारी डिश रेडी हो गई है, ये मैंने बनाया चिकन मंचूरियन, क्योंकि मुझे किसी अपने बहुत ही अच्छी मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मैसेज किया था कि चिकन मंचूरियन की ना रेसिपी ज़रूर अपलोड कीजिएगा। और साथ में ये वेजिटेबल चाइनीज़ चावल बनाए हैं, और ये देखे कितने अच्छे बने हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने बनाए हैं ये। आप बहुत इजी तरीके से आप बनाएं, जल्दी जल्दी 5-10 मिनट में सब कुछ रेडी हो ना, तो 10-15 मिनट में ये रेडी हो जाती हैं दोनों डिशें। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, अल्लाह हाफिज़।